बता दें कि ये शादी ठग बैंक के फील्ड अफसर बनकर संपर्क करते थे और सरकारी शिक्षकों को निशाना बनाते थे, साथ ही बैंक लोन प्रलोभन देकर ठगाई करते थे। जानकारी के अनुसार दोनों अभियुक्त भरतपुर राजस्थान के निवासी है। वही खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। एक सरकारी अध्यापक से लोन के नाम पर उनके द्वारा ठगी की गई थी। इसमें दो ठग गिरफ्तार हुए हैं, साइबर ठग है। ये दोनों रहने वाले भरतपुर जिले के हैं और मेवाती जात से संबंध रखते हैं। और इनका काम है, इनसे जब पूछताछ हुई बताया कि इन्होंने ज़्यादातर सरकारी अध्यापकों को ही इस तरह के ठगी का शिकार बनाते हैं। जनपद मैनपुरी में इन्होंने दो अध्यापकों को इस तरह से ठगी का शिकार बनाया था। इनको पकड़ा गया है, इनकी पूरी मॉडल सप्लेंडी की जानकारी की गई है। मीडिया के माध्यम से मैं बताऊंगा कि ऐसे फ्रॉड लोगों को जो फील्ड अफसर बन के आते हैं और फर्जी लोन का झांसा देकर पैसा ठग लेते हैं, उनसे कतई लोन न कराए। इनसे हमने 42,300 रुपये भी नगद बरामद किया है, 2,30,000 रुपये इनका खातों से सीज किया है। तो इस तरह से ये जो दो घटनाएं थी उनका अनावरण मैनपुरी घटनाओं का हुआ है। इनके पास से सर क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है? इनके पास से तमंचा मिला है, पैसे मिले हैं, कैश पैसा मिला है और इनके खातों की जानकारी की गई है, उसको होल्ड किया गया है। और इन्होंने इस तरह के कई फ्रॉड की घटनाएं की है और इनका कहना है कि जो इस तरह से इनको पैसा इन्होंने कमाया था इसमें लाखों रुपए, उससे उन्होंने कुछ जमीन खरीदी है, ट्रैक्टर खरीदा है, उन सब में हमारी पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाए। गैंग का पता लगा सर, क्या गैंग इनकी, कौन लीडर है और कहाँ से? ये दोनों भाई हैं, आपस में दोनों जाते हैं, फील्ड अफसर बन के जाते हैं, किसी बैंक का फील्ड अफसर बताते हैं और ज़्यादातर सरकारी अध्यापकों को ही ये ठगते हैं। और इस तरह से दो ठगी घटनाएं अभी हाल में मैनपुरी में इनके द्वारा की। खुलासा करने वाली टीम को सर क्या करते हैं? जो खुलासा करने वाली टीम है हमारी कुरावली थाने की और हमारा जो साइबर सेल है उस पर पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा 20,000 रुपये का इनाम दिया गया। प्रवीण सक्सेना का एक सवाल। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों के देख रही है जन यात्रा टीवी।